हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में और एक्सपायरी के बारे में। हमने एक्सपायरी में कौन से ट्रेड किए थे और किस तरीके के ट्रेड किए थे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि जब भी मार्केट एक सपोर्ट पर जाएगा तो वहाँ से हमको एक पॉइंट चाहिए, और शुरुआती ट्रेड में हमको कुछ पॉइंट मिला नहीं था। चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम लोग डेली चार्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए आज क्या है, मार्केट 25 पॉइंट प्लस ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है। अब इसके लिए सबसे मेन मुद्दा क्या होने वाला है, इस कैंडल का हाई यानी कि 45,180 हमारे लिए एक मुख्य जोन होने वाला है, 180 से 190 का मान लीजिए। इसके ऊपर या तो फिर 44,000 ये वाला नीचे वाला जो लेवल होगा हमारा, ये लेवल है हमारा अराउंड 580, ठीक है। इस लेवल के नीचे या इस लेवल के ऊपर अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट इस लेवल के नीचे या ऊपर जहां क्लोजिंग देगा डेली पे, वो ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करेगा। ऊपर तो देखिए, ऊपर जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तब तक वो बुलिश नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अब ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, टेस्ट लिया, देखो ऐसे क्या नीचे आया टेस्ट लिया, अब अगर इसको क्रॉस करेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम 46,000 के ऊपर जाता हुआ मार्केट को दिखाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे की क्लोजिंग होगी तो मार्केट फिर यहाँ पे आने के लिए अच्छे खासे मूड से तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग होते ही फिर से ये इसी जोन में आ जाएगा जिस जोन में वो काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा था। तो दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे, ये दोनों लेवल्स आपको अच्छे से वॉच करना है और ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से ट्रेड किए थे और किस तरीके के ट्रेड किए थे। देखिए मैंने कल वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, और अगर आपने हमारे कल वाले वीडियोस देखे हैं अच्छे से तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि अभी हम एक प्राइस एक्शन पे ट्रेड अभी जो बन रहे हैं वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैंने कल भी बताया था कि आपको मार्केट एक बार नीचे गया फिर से हाई आया, ठीक है। इस हाई के बाद मार्केट नीचे आया फिर से, इस हाई को क्रॉस नहीं किया और एक जोन बना के नीचे की साइड में ब्रेक किया, तो अच्छा खासा हमको एक मोमेंटम देखेंगे तो बहुत यहाँ तक मार्केट आया, तो मोमेंटम यहाँ पर मिला था। और दूसरा मोमेंटम ये फर्स्ट प्राइस एक्शन, सेकंड प्राइस एक्शन आप ध्यान से देखिए, ये मार्केट ऐसे ही चल रहा है ना, तो मार्केट यहाँ पे भी एक हाई क्रॉस करने की कोशिश किया, नहीं गया, नीचे आया फिर से यहाँ पे आया और फिर से यहाँ पे इसको ब्रेक किया, और ये जो था ये लेवल मार्केट कई बार टेस्ट कर चुका था, और उसके बाद जब ये ब्रेक किया डोजी बना के तो यहीं पर एक लेवल बहुत मस्त बना था। ये सेम पॉइंट आज की भी मार्केट में हुआ है। अब देखिए दिक्कत ये थी कि मार्केट को इसके नीचे यहाँ से लेके इसके बीच में कहीं खुलने के बाद यहाँ पे कुछ नेगेटिव बनाता है, तो इसको मार्केट को सब नीचे की साइड में अच्छा खासा ट्रेड करने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन पॉइंट क्या हो गया, तब मार्केट को क्या होता है ना, इसके नीचे ये मॉर्निंग में ही लेके चले जाते हैं और अच्छा खासी गिरावट देखने को मिलती, बट मार्केट क्या हो गया, अच्छा खासा गैप अप ओपन हो गया और जो फर्स्ट रेंज जो था उस रेंज के ऊपर ही वो ट्रेड करने लगा, ऊपर ही ट्रेड करने लगा, लेकिन फर्स्ट कैंडल को भी वो काफ़ी समय तक निकाला नहीं, तो यहाँ पर जो था वो जोन फंसा हुआ था। अब यहाँ पे रुकने के बाद थोड़ा सा मार्केट निकाला लेकिन वो भी ऊपर गया नहीं, फिर से मार्केट नीचे आ गया, फिर जोन बनाया, अब फिर गया। तो देखिए यहाँ तक में तो हमारा प्राइस एक्शन नहीं बना था, ध्यान से समझिएगा कि मार्केट में हमारा यहाँ तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, यहाँ पे बना ऊपर गया फिर यहाँ पे बना फिर से नीचे आ गया, तो अब मार्केट क्या हो रहा था, साफ साफ सबको दिख रहा था कि भाई कोई प्राइस एक्शन नहीं बना रहा, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि ये हाई एक बनाया और उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया, जिसमें वो मार्केट शुरू में था उसी में आके फिर से कंसोलिडेट करने लगा। अब कंसोलिडेट करने के बाद ये हुआ कि अगर बायर्स हैवी होते तो यहीं से इसको ऊपर लेके जाते, या फिर इतने के बाद इसको क्रॉस करते, इतना लंबा टाइम तो इसमें बिताने नहीं देते। और बिताने के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्राइजेक्शन भी बन गया डाउन साइड का, ये हाई हो गया ये लो हो गया। अब उसके बाद मार्केट यहाँ पर जब इसको क्रॉस किया तो देख ही रहे हैं आप मोमेंटम, ठीक है, फिर से रिटेस्ट करके फिर से ये डे लो ब्रेक किया, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे अच्छे खासे बनते हैं कि डायरेक्टली ब्रेक किया रिटेस्ट किया फिर से। अब ये देखिए दोनों पॉइंट आपको मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ, डेली हो रहा है, जिस भी प्राइस एक्शन में आप जाएंगे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी प्राइस एक्शन से मार्केट निकल रहा है और जो उसने फर्स्ट कैंडल में लो बनाया या फिर ये देखिए फर्स्ट कैंडल में जो लो बनाया उसको निकाल रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। आप किसी भी समय कल का भी देखिए, उसके पहले का भी देखिए, यह ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट कैंडल का लो था, मार्केट धीरे से ऊपर आया नीचे आया, ये प्राइस एक्शन बनाया नीचे आया और इसको ब्रेक किया, डायरेक्ट मार्केट एक मोमेंटम दे रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना था। अब कल के लिए मैंने आपको जोन बताया है, अब कल की ओपनिंग भी मायने रखेगी। कल की ओपनिंग देखिए लेवल्स क्या हैं, ये लेवल्स हैं, ठीक है, और ये लेवल है, मार्केट इसके बीच में कहीं खुलता है और नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो हैवी सेलर इसमें
एक्टिव होंगे और नीचे की साइड मार्केट को अच्छी तरीके से लेके जाएंगे। बट अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर होने के बाद ओपन निकलेगा तो वेट करेंगे भाई इस कन्फर्मेशन की या इस कन्फर्मेशन की, क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड में मोमेंटम दे सकता है, बट यहाँ से या यहाँ से हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया नहीं है। सो दोस्तों कल देखते हैं किस तरीके का ट्रेड करना है। थैंक यू, मिलते हैं। और आपको इसमें ना प्रीमियम आपको मैंने देखेंगे ना तो लास्ट ये जो गिरावट हुई है ना, इस गिरावट में ना 5 times का प्रॉफिट हुआ है, 5 times 6 times ऐसे प्रॉफिट्स हुए हैं इस जोन में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद अब डायरेक्टली मार्केट गिर रहा है, देखिए यहाँ पे प्रीमियम कम होगा तो बहुत सारे लोग यहीं निकल जाएंगे, उनको ये मोमेंटम मिलेगी नहीं तो यहाँ निकल जाएंगे। अब उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पे कहीं देखेंगे कि अरे रुक रहा है फिर से ब्रेक होगा तो यहाँ पे निकलने का तो फिर से फंस जाएंगे। तो इसीलिए जब एक बार मोमेंटम चलता रहे तो मोमेंटम को चलने दीजिए और ट्रेड को इन्जॉय करिए। देखिए अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब एक लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, अगर यहाँ पे मैंने एंट्री मारी है तो मेरा SL जो होगा वो ये, या तो बहुत सेफ SL रखूँगा तो ये रखूँगा मैं, ठीक है। उसके ऊपर तो फिर मार्केट को ऊपर साइड में जाएगा, फिर नहीं भी जाए तो फिर उसे साइडवेज में फंस जाएगा, उसमें कोई लेना देना है। एंट्री होने के बाद देखिए ये जो पॉइंट आएगा ना, ये फर्स्ट सेकंड कैंडल, ये हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन ये ग्रीन होने के बाद फिर से रुकेगा तो प्राइस उसमें बढ़ेगा नहीं, तो लोग क्या करेंगे इसी के नीचे ही जमा आएगा ना तो तुरंत कट करेंगे, बोलेंगे अरे चलो हो गया प्रॉफिट, अब इतना तो बहुत हो गया, हमारा ये लेवल भी है सब का। लेकिन देखिए अब यहाँ पे इसके हाई को इसने क्रॉस नहीं किया, अब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, इसके हाई को क्रॉस करके फिर से आता तब तो निकल जाते ठीक है, लेकिन हाई को क्रॉस नहीं किया, नीचे आया और इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया, तो हम क्या करेंगे अब SL को खींचेंगे यहाँ पे या फिर जो हमारी बाइंग प्राइस है वहाँ पे। अब उसके बाद ये मोमेंटम उठाओ तो फिर आप एग्जिट मारो, क्योंकि ये रिवर्स जो होगा ना ये पूरी तरीके से खा जाएगा। क्योंकि देखिए अब हमने सोचा था यहाँ तक, अब हमको ये एक्स्ट्रा मिल गया है ना, हमने सोचा था ये लेवल्स हमारे लिए होंगे, अब उसको हमारे ये जो डे लो था उसके नीचे भी आ गया मार्केट, तो हमारे लिए एक पॉइंट अच्छा खासा बन गया। अब जो इतना बड़ा मोमेंटम उठा लेगा ना तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क वो ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको मोमेंटम उठाना पड़ेगा तब, ठीक है। बाकी अगर एक्चुअली प्राइस एक्शन से देखेंगे तो प्राइस एक्शन से ट्रेड आपका यहीं कहीं पर बन जाता है, ठीक है। यहाँ से जाएंगे यहाँ पर हुआ मार्केट नीचे की साइड में, तो आप यहीं पर कहीं पर ये जो पॉइंट आपका बना है या ये पॉइंट जो बना है यहीं पर आप ट्रेड ले लेंगे ये, ठीक है, ये पॉइंट पे, तो सेफली आपका इसी कैंडल में एंट्री हो जाएगी। बट आपको थोड़ा सा डराएगी, लेकिन अगर आप उतना रुक जाते हैं तो आपको पॉइंट बहुत अच्छे खासे उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं कल, थैंक यू।